देखो सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि अभी आप कर क्या रहे हो? मैं फ्री हो तो आओ, चलना है बैंकॉक जाना है, भाई को पैसे ट्रांसफर करने हैं पाकिस्तान। तो यार तुम हुंडी क्यों नहीं करवा लेते हो? हुंडी करेंगे तो वो कानून के खिलाफ है इस बार। दूसरा यह है भाई, मेरा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, ये इतनी बड़ी अगर प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, तो वो क्या सबूत है उसके पास होगा कि मैंने उसको पैसे भेजे हैं? इसलिए मैं बैंक के थ्रू भेजूंगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन मौजूद होगी, वो ट्रांजेक्शन जो है वो दिखा सकता है और इजीली जो है वो इनकम टैक्स को डील कर सकता है। दूसरा ये जो है कि हुंडी जो है ना कानून के बहुत खिलाफ है, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। तो सर कानून खुद इस काम में गुस्सा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? होता है पाकिस्तान में जो है ना सब लोग यही काम करते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर हम लोगों ने ये काम किया तो हम भी इन जैसे होंगे, इसलिए हमने वैसा काम नहीं करना। हमने जो है कानून के साथ ही काम करने चाहिए यार। मैं देखो पाकिस्तान के बाहर क्यों सिस्टम बेहतर है, क्योंकि सब लोग कानून के साथ जाके काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर किसी में शॉर्टकट की पैसे बचाने की पड़ी रहती है, ये लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म में बेनिफिट तभी होते हैं जब आप कानून की साथ साथ कानून के साथ साथ चले, ठीक है ना। इसलिए हुंडी का लफ्ज़ अपने माइंड से निकाल दें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि बैंकिंग के थ्रू काम करना है, क्योंकि हुंडी बहुत आम होता जा रहा है, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऑफिस बना हुआ है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन में क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।